तो अपनी दोनों गाड़ियों में रेस लग चुकी है। ओ भाई फोन गिर जाएगा, फोन गिर जाएगा, फोन गिर जाएगा। बहुत ज्यादा सुंदर जगह है, चेक करो यहाँ। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो हम लोग वैष्णो देवी से निकल चुके हैं और आज हम जा रहे हैं डलहौजी। डलहौजी से ना आगे एक जगह है, एक दो घंटे की दूरी पे, वो इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो हम वहाँ पे भी जाएंगे, दिखाऊंगा आपको कितना सुंदर जगह है वो। मैं भी फर्स्ट टाइम देखूंगा। अब यहाँ ये गाड़ी चला रहा है और जो मेन ड्राइवर है वो सोया पड़ा है, कान में बहुत दर्द हो रही है। कान 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 क्या नजारा है। सो गाइस यहाँ पे एक बेकरी है 39 बेकर्स, और लवनीश कह रहा है अगर 3 की जगह 6 लगा दे तो क्या होगा, क्या नाम बन जाएगा 69 बेकर्स। कूल लगेगा यार। अपना अंग्रेजी ड्राइवर बैठ गया साइड में और देसी ड्राइवर आ चुका है। और अब देखो कि हम कितनी देर में आए हैं डलहौजी का रास्ता। 3.5 घंटे, और ये 2 घंटे में पहुंचा देगा। 3.5 घंटे में पहुंचाऊंगा मैं? नहीं भाई, 2 घंटे में पहुंचाएगा तू। अब हमें अपनी दोनों गाड़ियों में रेस लग चुकी है। अभी वो आगे निकल गए, पहले हम निकल गए थे, अब चेस बिगन। लेट्स गो, रेडी। बोरी गड्डी उनकी 0.5 भी नहीं करता तुशी। चलाने चलाने दे, कोई दिक्कत नहीं, चलाने दे। पहुंचेंगे पहले, फिर माँ बहन कर देगा। नहीं होती यार गाड़ी, ये जब तेज स्पीड से ब्रेक के मारो, ब्रेकों से पेट्रोल फूकता है तो हाँ ये नहीं ब्रेक लगे ही नहीं मेरा गाड़ी। और ये हमने अभी 10 मिनट का ब्रेक लिया है और यहाँ का व्यू चेक करो भाई, क्या सेक्सी व्यू है यार। डलहौजी यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है। लोंडा कितनी जल्दी हमें ले आया ना, और वो हमसे कितने किलोमीटर दूर है? 20 किलोमीटर हमसे दूर है और हम पहले पहुंच गए हैं। और यहाँ हम फोटोज क्लिक करवाएंगे। बढ़िया बढ़िया भाई, क्या सुंदर जगह है यार। ड्रोन होता ना क्या सेक्सी शॉट्स आते भाई। ये हमारा भाई बैठा है, इसको मैं चिप्स का पैकेट देने लगा हूँ अभी। ले बच्चे, अरे गलत दे दिया, हाथ में देना था यार। सोडा पीने रुके, अभी हम वो बेचारे वेट करेंगे, जब ये ब्लॉग देखेंगे वो कहेंगे तुम तो बहुत मजे करते करते आए हो और हम आए हैं वो धक्के खाते हुए आ रहे हैं, हम यहाँ इंजॉय करते हुए आ रहे हैं। बैटरी रहेगी 1%, और अब सीधे डलहौजी जाके बात करेंगे जब फोन चार्ज होगा, नहीं तो मेरा फोन हो जाएगा स्विच ऑफ। सो चलते हैं सीधे डलहौजी पहुंच के, आपसे बात करता हूँ। बाय। तो हे गाइस, सुबह के बज रहे हैं 9:30। हम लोग को गजब बेइज्जती है, खजियारा जा रहे हैं, खजीरा जा रहे हैं। वो है इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड, खजियार वो है इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड। बहुत सुंदर जगह है यार। तैयार होके रेडी होके मिलता हूँ भाई, व्यू चेक करो गाइस। गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ और अब हम लोग निकलने लगे हैं, लेट्स गो। तो यहाँ का रास्ता ना वन वे है, मतलब खजियार पहुंच चुके हैं। और ये ना अभी हम जब वापसी रास्ते में आ रहे थे ना, वहां से हमने देखा बहुत ज्यादा सुंदर जगह है, मैं भी आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पे ना बर्फ नहीं है, तो यहाँ के लोग बता रहे हैं जब यहाँ बर्फ गिरती है ना तो पूरा व्हाइट हो जाता है। ये भैया बता रहे हैं हमें, बताना भैया पूरा व्हाइट हो जाता है जब बर्फ गिरेगी ना। कब गिरेगी? और ये गिरेगी नवंबर लास्ट और दिसंबर तक, दिसंबर जनवरी मतलब दिसंबर स्टार्टिंग में। दिसंबर स्टार्टिंग में सोचो कितना सुंदर लगेगा। हमने तो मैगी ले ली। तुषार जी को मैगी नहीं खानी थी बिकॉज उसके अंदर अनियन मसाला होता है, क्योंकि इसने प्याज नहीं खाने। और इसने करा ली चौमिन, और चौमिन की शक्ल देखो जरा, छोटा बनाता जोर नाले का पानी डाल दे। नीरी काली चौमिन, सोया सॉस से नीरी भरी हुई, और कैसा लग रहा है सिर्फ सोया सॉस खा रहा है। और हमारा देखो कितना बढ़िया, हाँ हाँ हाँ, खा कैसे रहा तू ये गंद। अभी हम ये बॉल के अंदर जाने लगे हैं, तो मैं और एक शायद पिंकू जाएगा, पता नहीं कौन जाएगा, तो बॉल के अंदर हम लोग जाएंगे। और इसमें मतलब एक एंटरटेन है, एडवेंचर है, तो देखते क्या होता है। भाई मोटा तो जा नहीं रहा, मोटा कह रहा है मेरे को उल्टी आ जाएगी। मैं और तुषार जा रहे हैं अभी अंदर, और चलो चलो लेट्स गो मैन। चलो भाई लेट्स गो, माजू पहले ही अंदर है, माजू को पहले। तो भाई हमारे साथ भाई आ रहा है साइड भाई, इधर हो आप, इधर हो भाई, इधर हो। अच्छा अभी चक्कर क्या भाई, ये ना बॉल के अंदर ये डर, ये क्या, ये किस चीज की लिए क्या नहीं, ये सेफ्टी के लिए। अच्छा लाला अभी, हां जी क्या है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। भाई फोन का रिस्क ले रहा हूँ बहुत बड़ा, वैसे कह तो रहे कि नहीं टूटेगा बट बाकी पता नहीं टूट गया तो ठीक है, नवा ले लेंगे। हाँ इतना पैसा आया हमारे पास। ओके सर कवर केंद्र को ग्लू करूँ वाला। हाँ लौंडा, हेलो माजी, मज को देख। ओए भैया एक मिनट यार, मेरे को पकड़ दे दो फोन, रहने दो, लेट्स गो मैन। ये देखो भाई इतनी बड़ी बॉल थी, हम इसके अंदर थे, मेरे तो आंखों में से आंसू निकल गए, एक टाइम के लिए उल्टियां ना हो रही थी। कैसा रहा एक्सपीरियंस तेरा? मजा आ गया हैं, मजा आ गया, गोल घूमूंगे। तो गाइस अब ना मैं तो जा नहीं रहा, ये लोग जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग करने। मैं क्यों नहीं जा रहा, बिकॉज मैंने पहले कर रखी है, और इनसे भी ऊपर वाले मतलब हाई लेवल पे करी हुई है और टॉप पे। अभी गिरते गिरते बचा है ऊपर तक घोड़े पे जाना है तेरी, तो ये जा रहा है। इसको पहले पैराग्लाइडिंग के लिए मना कर रहे थे मोटे को, फिर इसका वजन सुना तो उसको हाँ कर दी। मोटे कहते 3-4 लेंगे अगर ये डाला, और ये झूठ डाला। नहीं 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 डाल रहा। तो आर रेडी गाइस, रेडी, एंजॉय एंजॉय। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ लैंडिंग पॉइंट पे पैराग्लाइडिंग के, वो लोग तो ऊपर पहुंच गए, उनका स्टार्ट होने वाला है, तो मैं उनकी वीडियो यहां से बनाऊंगा। तो मैं लैंडिंग पॉइंट पे पहुंच गया भाई के साथ, अभी देखते हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, उनसे पूछूंगा मैं कैसा, तुम्हें कितना मजा आया। रास्ता देखो आप यहां का कैसा है, तो भाई ये है लैंडिंग पॉइंट, यहां पे आएंगे वो चारों। कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस? आ गया मजा है, बहुत टाइट हो गई थी भाई साहब। अच्छा जी, सिस्टम उड़ाना मैं, मेरी फटकी मेरे पीछे आ जा। मैं तो स्टंट करवाया, स्टंट स्टंट करवाया है तेरा, क्या नाम है? अच्छा जी, ओ भाई पैसा वसूल, फुल वसूल। चल भाई यहां पे गड्ढा हो जाएगा, 3-4 फीट का रहा है अपना, एक बहुत तगड़ा बंदा आ रहा है। सारे साइड हो जाओ, सारे साइड हो जाओ, मछली जुटा गया, मछली जुटा, आ गया आ गया आ गया। ओ भाई शॉट, ओके आ गया आ गया। कैसा रहा भाई का एक्सपीरियंस? ऐसा नंबर भाई,
सच्ची गोल गोल घुमा लगा गाइस अब हम वापस जाने लगे चलो भाई लेट्स गो एडवेंचर और शुरू होने जा रहा है हमारा ऑफ रोडिंग में और वो भी पिकअप ट्रक के पीछे खड़े हैं मेक्सिको बॉर्डर पार अरे नहीं मेरा कुछ नहीं खड़ा हो जा जान नहीं मर्द नहीं है क्या तू पार मर्द नहीं है तू स्वागत है पूरा ज्यादा ले ले गैस आ रहा ऑफ रोडिंग सो गाइस सारा एक्सपीरियंस हमारा हो चुका है एडवेंचर्स हो गया सब कुछ हो गया घूम लिए फिर लिए अब हम लोग शायद जा रहे हैं घर शायद अभी पक्का नहीं है बट हाँ उम्मीद तो है कि शायद घर ही जाएंगे जो भी होगा आगे मैं आपको दिखा दूंगा सो बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ एंजॉय करो और हम भी एंजॉय कर रहे हैं आप भी ब्लॉग एंजॉय कर ही रहे हो सो अब हम निकल चुके हैं क्या हमारी गाड़ी का लोड ज्यादा हो गया फिर मजा आगे बैठे सो हम लोग खजियार से निकल चुके हैं अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने फिर उसके बाद निकलेंगे यमुनानगर के लिए वापस हम लेकिन थोड़ा लेट हो सकते हैं क्या दे रात को हम कितने पहुंचेंगे हम रात हमारी गाड़ी थोड़ी स्लो चलेगी आज क्यों हिमाचली झोटा बैठा है हो गई बॉडी लौटने की ये डलो और फिर हम निकलेंगे यमुनानगर के लिए वापसी रात को पहुंचेंगे 2:30 बजे फिर मुझे वापस जाना है नोएडा काम भी तो जरूरी है यार मंडे को मैं 2:30 बजे पहुंचूंगा रात को और 4:30 की मेरी कैब है नोएडा के लिए नोएडा जाके ऑफिस दोपहर को 1 बजे पहुंचूंगा ट्रैवल 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 तो हमें मिल दिए भाई आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो